फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस वीडियो में हम क्लास 12th मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक जो कि एनसीईआरटी बुक से हमने एक्सरसाइज 6.5 से लिया है और क्वेश्चन नंबर हम 15 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के जो क्वेश्चन हैं वो आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। वी आर गिवन, क्या गिवन है हमको? वी आर गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज व्हाट 35। मींस वी आर गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35 वेयर एक्स एंड वाई बोथ ग्रेटर देन व्हाट दे आर ग्रेटर देन जीरो, वो दोनों जीरो से बड़े हैं। तो माइंड इट, इसको ध्यान रखिए। एंड वी आर सपोज टू फाइंड एक्स एंड वाई फॉर विच, जिसके लिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 5 मैक्सिमम है। तो इसको मान लेते हैं, लेट दिस बी पी, इसे मान लीजिए कि पी के बराबर है एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5। तो एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा हो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, एंड बाय मिस्टेक मैं उसको 13th लिख गया था, तो आप उसको देखिएगा, उसमें मैंने आप इस बात को जिक्र किया है, आई मेंशनड दिस थिंग दैट कि अगर जिसकी भी पावर कम होगी दैट वैल्यू, अगर इफ़ यू एलिमिनेट, अगर उस वैल्यू को आप एलिमिनेट करोगे तो द क्वेश्चन वुड बी वेरी इजी, तब उसका सवाल जो है वो आसान हो जाएगा। वरना आप वैसा भी कर सकते हो, मींस इवन यू कैन एलिमिनेट एक्स एंड वाई टू, एक्स भी एलिमिनेट कर सकते हो और वाई भी कर सकते हो, बट वी प्रिफर, हम किसको प्रिफर करेंगे, विच एवर इज हैविंग मिनिमम पावर। तो सिंस एक्स इज हैविंग मिनिमम पावर देयरफॉर वी विल एलिमिनेट दिस एक्स। सो 35 माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 5। अब मल्टीप्लीकेशन अगर बहुत आसान सा नहीं दिखे तो लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो टू मैक्सिमाइज पी वी शैल व्हाट, वी शैल डिफरेंशिएट दिस पी विद रिस्पेक्ट टू वाई यूजिंग प्रोडक्ट टूल। अब इसमें प्रोडक्ट टूल का यूज करते हुए करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो पहले आप इसका करेंगे फिर इसका करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, 2 इंटू 35 माइनस वाई होल टू द पावर 2 माइनस 1 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 35 माइनस वाई इज माइनस 1 एंड दिस वाई टू द पावर 5 इज कॉन्स्टेंट प्लस, नाउ दिस एज अ कॉन्स्टेंट 35 माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वाई टू द पावर 5 वाई टू द पावर 4। नाउ व्हाट कैन बी टेकन कॉमन, शुड बी टेकन कॉमन, ताकि ये थोड़ा आसान सा हो जाए। तो इसमें कॉमन ले सकते हैं y टू द पावर 4 और 35 माइनस वाई, तो 35 माइनस वाई कॉमन, ब्रैकेट विल हैव 2 इंटू दिस माइनस 1 सॉरी इंटू y टू द पावर 4 भी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 इंटू y माइनस 2y प्लस, इसमें से हमने कॉमन लिया है 35 माइनस वाई, तो यहाँ बचेगा 35 माइनस y इंटू दिस 5 और y टू द पावर 4 पूरा कॉमन आ गया है, तो फिर y टू द पावर 4 बाहर रहेगा, वहाँ नहीं आएगा। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसे अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 35 माइनस y टू द पावर 4 ब्रैकेट, अब ब्रैकेट देख लें आप, ये है माइनस 2y और जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 5y, तो ये हो जाएगा माइनस 7y माइनस 7y और 5 इंटू 35 विल रिमेन प्लस 5 इंटू 35, 5 जो 25 और 5 3 जो 15, तो 15 और 2 17 175। अब dpy dy आ गया हमारे पास। अब टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए dpy dy को जीरो से इक्वेट करेंगे, तो वी शैल इक्वेट व्हाट dpy dy विद जीरो, dpy dy को जीरो से इक्वेट करिए। तो dpy dy मीन्स व्हाट दिस एक्सप्रेशन, 35 माइनस y टू द पावर 4 माइनस 7y प्लस 175
इज इक्वल टू जीरो. दिस इम्प्लाइज, अब इससे क्या क्या पता चलेगा, इधर दिस जीरो 35 माइनस वाई जीरो, और दिस वाई टू द पावर 4 जीरो, और दिस माइनस 7 वाई प्लस 175 इज जीरो. तो इससे y की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 35. इससे क्या पता चलेगा, y इज इक्वल टू 0. इससे क्या पता चलेगा, y इज इक्वल टू 175 अपॉन 7. तो ये आ जाएगा आपके पास 7 2 14 और 7 5 35. तो ये 30, ये आ गया आपका y का वैल्यू. इससे y का वैल्यू 35 है, बट वी हैव x प्लस y एज वॉट, x प्लस y इज इक्वल टू 35. तो x प्लस y इज इक्वल टू 35 है, तो x प्लस y बीइंग 35, अगर y की जगह 35 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा, x विल बी 0. एंड वी नो दैट x एंड y मस्ट बी वॉट, दे मस्ट बी ग्रेटर देन 0. सो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल. विच वैल्यू, दिस वैल्यू शुड नॉट बी कंसिडर्ड, इस पे विचार नहीं होगा. एंड सिमिलरली हियर यू कैन सी y इज 0 एंड y मस्ट बी ग्रेटर देन 0. सो इवन दिस इज नॉट पॉसिबल, np मीन्स नॉट पॉसिबल. सो देयरफॉर द एक्सेप्टेबल वैल्यू इज y इज इक्वल टू 25. एंड एज x प्लस y इज 35 एंड y इज 25, सो x विल बी वॉट, x विल बी 10. सो x एंड y विल बी लाइक दिस. अब इस बात को कि इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि जो P है वो इस पॉइंट पर मैक्सिमम है कि नहीं है, वी नीड टू डिफरेंशिएट dP by dy विद रिस्पेक्ट टू y. जो हमारे पास dP by dy है उसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे टू वेरीफाई. सो टू वेरीफाई P इज मैक्स, मैक्स मीन्स मैक्सिमम at y is equal to 25 and x is equal to 10. d2p by dy square, d2p by dy square, d2p by dy square is what? तो d2 by dy square के लिए इसको product rule से कर देते हैं और तीन functions का case लगाते हैं, first, second, third. तो देखिए, सबसे पहले 35 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1, वाई टू द पावर 4 कांस्टेंट माइनस 7 वाई प्लस 175 कांस्टेंट प्लस. अब 35 माइनस वाई कांस्टेंट, वाई टू द पावर 4 का हो गया 4 वाई क्यूब माइनस 7 वाई प्लस 175 ये कांस्टेंट प्लस. और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते वरना आपको मार्क्स कम मिलेंगे. 35 माइनस y कांस्टेंट, y टू द पावर 4 कांस्टेंट, और माइनस 7y प्लस 15 का होगा माइनस 7 इंटू 1 प्लस 0. अब y की जगह क्या डाल देंगे, एट y इज इक्वल टू 25, y की जगह 25 डाल दें तो हमारे पास क्या होगा, डी टू पी बाई डी वाई स्क्वायर. ध्यान से देखिए, डी टू पी बाई डी वाई स्क्वायर हो जाएगा आपके पास माइनस 1 या माइनस वाई टू द पावर 4. तो यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 25 टू द पावर 4 माइनस 7 इंटू 25 प्लस 175, और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि 25 7 जब 175 होता है तो ये जीरो हो जाएगा. प्लस सेकंड स्टेप, 35 माइनस 25 इंटू 4 इंटू 25 क्यूब और इसमें रखेंगे इंटू माइनस 7 इंटू 125, 7 इंटू 25 प्लस 175, ये भी जीरो हो जाएगा. अब जो बचेगा वो ये बचेगा, तो इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, 35 माइनस, डायरेक्ट आप नेगेटिव नहीं लिख सकते, आपको थोड़ा कैलकुलेट करके बताना होगा.
इंटू वाई टू द पावर 4, 25 टू द पावर 4 माइनस सेवन इंटू वन। तो आप देखें ये ज़ीरो हो गया, ये ख़त्म, ये ख़त्म, आपके पास केवल ये चीज़ बची है। तो इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू में आपके पास आएगा 35 माइनस 25 10, 10 इंटू 25 टू द पावर 4 इंटू माइनस सेवन, माइनस सेवन इंटू 10 इंटू 25 टू द पावर 4 विच इज लेस देन जीरो, नेगेटिव। देयरफॉर पी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 25। तो दोस्तों ये था इसका आंसर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू, और मैं आपकी मदद पूरी पूरी करने की कोशिश करूँगा। और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और खूब पढ़ें। आप पढ़ेंगे देश बढ़ेगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, विश यू ऑल द बेस्ट।